हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, धार्मिक आंदोलन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इंक्लूड करा है आप सभी लोगों के लिए। जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करें। तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद में वो टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक क्रांति के रूप में कौन सा समय देखा जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह वो समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे और यूनान में सुकरात अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। और अगर भारत की बात करें तो लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। मतलब लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे हुए थे जो सरल और उच्च स्तरीय हो। तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दो महान व्यक्तियों का प्रभाव देखा गया। इन दोनों ने भारत में चल रही प्राचीन धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रखा। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम दोनों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से बौद्ध धर्म को। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। इन्हें ही क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसको इमेजिन करते चलिएगा, आपको ईजी होगा समझने में। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण जो था वो किसने करा था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा था। इसी कारण से ये गौतम कहलाए। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था वो कौन थी। तो वो कौन थी, प्रजापति गौतमी ही थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का जो मन था वो आध्यात्मिकता की ओर था, पर इनके पिता इसको लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। इसलिए उन्होंने जब गौतम 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा नाम की एक लड़की से कर दिया। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर लिया, गृह त्याग कर दिया। आगे बात करते हैं। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में बुद्ध जो थे वो इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबसार, उदयक और आलार कलाम से हुई। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। ठीक है, इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम जो थे वो बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचे। उरुबेला जो था वो बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली बार उन्होंने उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार केंद्र जो था बुद्ध का वो क्या था, मगध था। इसलिए बिंबसार, उदयन जैसे मगध शासक भी बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए। तो उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ओके, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। तो भिक्षुक किसे कहा गया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक किन्हें कहा गया, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को क्या कहा गया, उपासक कहा गया। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध संगीति से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध सभाएं।
तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो किस स्थान पर आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तृतीय और चतुर्थ, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको दिमाग में चारों रखना है, पर तृतीय और चतुर्थ तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति मतलब प्रथम बौद्ध सभा जो थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, राजगृह में आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नामक स्थान पर आयोजित की गई थी और शासनकाल किसका था, काला अशोक का शासनकाल में। तृतीय काफी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो स्थान पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित की गई थी, किसके शासनकाल में, कनिष्ठ के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा तृतीय और चतुर्थ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तक कम से कम 6-7 बार रिपीट हो चुका है कि बुद्ध का निधन मतलब महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। ध्यान रखिएगा डेट भी एसएससी में पूछी गई है, 483 ईसा पूर्व, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है, सांची में स्थित है, सांची का स्तूप, ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। बुद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वो कौन सा होता है, वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धों के अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो वो कौन सा है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसकी भाषा कैसी है, पाली है, क्योंकि शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या रही, पाली रही। उसके बाद के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, धर्मपाल ने करी है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, वामसातपाकसिनी जो है भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। अगर हम बात करें कि धातु के सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए हैं, तो वो बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा देखिए थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, हमने एक स्टोरी के माध्यम से पूरा अच्छे से समझा इसको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब टेस्ट की बारी है, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, बी आंसर इसका सही होगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब कहां पर उनका निधन हुआ था, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसने करी थी, धर्मपाल ने करी थी, डी आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा इजीली एग्जाम में बना पाएंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में। शुरुआती ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए। सांची क्यों विख्यात है, चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। देखिए अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बोध गया स्थित है, बोध गया कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया से, गया में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी और 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, डी आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, उन्होंने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कहां पर आयोजित की गई थी, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी,
तो तृतीय सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी, कहां पर? पाटलिपुत्र में। बी आंसर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और ध्यान रखिएगा धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। सी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम उनके गुरु थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम देखिए उन्होंने समय कहाँ बिताया था? कुशीनगर में। देखिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर अशोक ने स्तंभ का निर्माण कराया था। ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद मतलब बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई? तो पहली बौद्ध संगीति बौद्ध सभा जो थी वो आयोजित की गई थी राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, त्रिपिटक बिल्कुल बौद्ध साहित्य। ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो शुरुआती बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली पाठ। बी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद में जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? कौन सा है? वामसातपाकसिनी। डी आंसर। बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ये आंसर इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? सांची में। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व। ये आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में क्षत्रिय जो थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे वो क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये 31 हमने क्वेश्चन सॉल्व करें और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने आपको थ्योरी सेक्शन बताया अगर आपने अच्छे समझा होगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट जो था धार्मिक आंदोलन का, ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बौद्ध धर्म को अच्छे से स्टडी करा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी, उसमें हम जैन धर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।